नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भाजपा सरकार जहां एक और निपुण भारत मिशन के तहत अभियान चलाकर बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर लेकिन नजीबाबाद विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय अलीपुरा में बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने के बजाय उनके हाथ में झाड़ू थमाई जा रही है। विकासखंड नजीबाबाद के ग्राम अलीपुरा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों से झाड़ू लगवाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय के छात्रों से अध्यापकों द्वारा विद्यालय प्रांगण में उसके बाहर सड़क पर झाड़ू लगवाए जाने का मामला कैमरे में कैद हो गया, जिसको लेकर स्कूल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में झाड़ू और फावड़ा लिए बच्चों को विद्यालय के अंदर बुला लिया गया। बताया गया है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है, जिसके चलते स्कूल में सफाई का कार्य पढ़ने वाले बच्चों से लिया जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी छात्र छात्राओं से झाड़ू एवं बर्तन साफ कराने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रीति पाल खंड शिक्षा अधिकारी नजीबाबाद द्वारा कहा गया कि बच्चों से सड़क पर झाड़ू लगवाए जाना गलत है, मामले की जांच की जाएगी, यदि ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए नजीबाबाद से हमारे सहयोगी विकास आर्य की रिपोर्ट। दिवाली की शुभ शुरुआत कीजिए सुपर टैग के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। नो पोल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, खर्चा ₹20 प्रति किलोमीटर, 3 साल की बैटरी वारंटी के साथ। दिवाली पर टीचर, स्टूडेंट, डिलीवरी बॉय, लॉयर व गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट, साथ ही 5000 किलोमीटर तक 3 फ्री सर्विस, 5000 का फ्री गिफ्ट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, नो कास्ट, नो EMI। मौके का फ़ायदा उठाए, जल्दी आए जल्दी पाए। पता राज ऑटोमोबाइल, अदब सिटी, माला नदी के पास, नजीबाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।